कॉल्बिश्मेट प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। सबसे पहले हम फिनॉल लेके इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। फिनॉल एक वीक एसिड है जो NaOH के साथ रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। ये OH पार्ट और ये H पार्ट वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे और ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद हम इसकी रिएक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। इस बेसिक सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में ये लोन पेयर रिंग के अंदर एंटर करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे और ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास एक एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। इस सॉल्ट फॉर्मेशन में ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CO O नेगेटिव और ये Na काउंटर आयन के फॉर्म में यहाँ लग जाएगा। देखें, ये एक एरोमेटिक सिस्टम था, ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, ये एक कीटो फॉर्म है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस तरह से कन्वर्ट होगा, और ये सिस्टम भी एरोमेटिक हो जाएगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे तो ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एच पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। तो इसे हम कीटो इनोल टोटोमराइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है और यहाँ पे ये इनोल फॉर्म है। ये कार्बोक्सिलेट वाला हिस्सा एज इट इज रहेगा। यहां पे अब हमारे पास ये बेसिक सॉल्यूशन है, यहां पर हम इसे एसिडिक बना देते हैं, HCl पास करेंगे। HCl पास करने से ये सॉल्ट फिर से टूटकर एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास NaCl बन जाएगा। इस सेकेंड स्टेप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्साइड, ये फिनॉक्साइड के ऑक्सीजन पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्थो पोजीशन पर जा रहे हैं। ऑर्थो पोजीशन पर जाकर इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे भी जा सकते हैं, पैरा पे भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड पैरा पर भी जुड़नी चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड केवल ऑर्थो पर ही जुड़ती है। उसका कारण कुछ इस तरह से है। इस आयन के अंदर फिनॉल पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है, ये Na के साथ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास यहां पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर और इस सोडियम के पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कहां से होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होके इसे मिल जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल ऑर्थो पोजीशन पर इंटरैक्ट करता है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा होने से हमारे पास इस तरह से रिएक्शन होगी। ये देखें, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन एज इट इज रहेगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होके इसे मिल गए, ये बॉन्ड बना दिया हमने, तो ये ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगी, अब सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा।
ऐसा करने से इसकी एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया। एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये एच पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पर जुड़। सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। मीडियम को एसिडिक कर दें, HCl पास करेंगे जिससे ये सोडियम सॉल्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और NaCl सॉल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। दैट्स इट।